उलमा ने बड़ी उन्होंने तहकीक की है, याद रखें। उन्होंने कहा कि खजूर जो है ना ये इंसान से मुशाबे है। क्या माना? इंसान का हाथ कट जाए जिंदा रह सकता है, टांग कट जाए जिंदा रह सकता है, लेकिन गर्दन कट जाए फिर जिंदा नहीं रह सकता। खजूर की भी इधर उधर शाखें काट दो खड़ी रहेगी, लेकिन ऊपर से अगर काट दो तो मर जाएगी, तो उसकी भी गर्दन कटे तो मर जाए। दूसरा, हर जानवर झुक के पानी पीता है, सिर्फ इंसान है जो ऊपर से पानी पीता है। इसी तरह खजूर है, हर दर जमीन से पानी लेता है, खजूर आसमान के पानी पे जिंदा रहती है। तो इसलिए उन्होंने कहा इसको इंसान से बड़ी मुशाबहत है, इसलिए इंसान के लिए सबसे बड़ी और अच्छी से अच्छी गिज़ा है। और ख़ास तौर पर खजूर अजवा है, बरनी है, सरफाना है, ये तो बड़ी अल्लाह की नेमतें हैं। हत्ता के सही हदीस में है कि जो आदमी 7 दाने सुबह अजवा खजूर के खाए उस पर उस दिन जहर भी असर नहीं करेगी और जादू भी असर नहीं करेगी। और इब्तदाए दौर में हजूर पाक का और सहाबा की तो गिज़ा ही सिर्फ खजूर थी, अल अस्वदान यानी तम्र वलमा, खजूर खाई पानी पी लिया, बस यही गिज़ा थी, यही रोटी थी। ये तो अब हमारा है ना कि 10-10 खाने हों और 2-2 किलो 4 आदमी खा जाए, तो उस वक्त तो ये आलम नहीं था। इसीलिए वो लोग सेहतमंद थे ना, ना उनको अल्हम्दुलिल्लाह कभी अटैक हुआ, ना उनको कभी दिल का दौरा पड़ा, ना उनको कभी कैंसर बना। ये जो तुमने मुरक्कबात बना के खाने शुरू किए ना, सारी इसी की मेहरबानी है कि उसमें मिर्चें हैं और मिसाले हैं और नमक है और पता नहीं क्या क्या बलाएँ हैं। उसका नतीजा ये है कि आज इंसान बीमारी का घर बन चुका है। एक दफ़ा मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मेरी वालदा भी ज़िंदा थी, वालिद भी ज़िंदा थे, तो हम जिस घर में रहते थे ना उस घर के करीब में कोई रॉयल फैमिली के ख़ानदान के कुछ लोग साथ वाले मकान में ठहरे हुए थे। तो उनकी शराफत है और उनकी मेहरबानी है कि वो कभी कभी हम फ़कीरों के घर में भी उनकी औरतें आ जाती थी और आला किस्म की खजूरें लाती थी। रॉयल फैमिली थी और फिर गसीम और बुरैदा की खजूरें तो दुनिया में मशहूर हैं, तो आला किस्म खजूरें ले आती। हमारे घर वाले कोई 2 दाने उठाता, कोई 3 उठाता, उन्हें क्या कर रहे हो खाओ, कितना खाए? उन्होंने कहा हम तो कम से कम दिन में 1/2 किलो से कम तो कभी नहीं, उन्हें 1 किलो खाती हैं रोज का। तो कह उन्होंने कहा अगर तुम नहीं खाती हो तो फिर अपने खावन के हकूक कैसे अदा करते हो, जब तुम खजूर ही नहीं खाती हो तुम्हारे अंदर ताकत कहाँ से आएगी, 1/2 किलो रोज खाया करो। वो ज़बरदस्ती आ गए तो वो 4 दाने खिला। हम लोगों की तो आदत ही नहीं ना इतना खाने की, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 दाने खा लिए। तो अरब आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खजूर खाते हैं और बड़े शौक से। इसीलिए उनको किसी और दवाओं की जरूरत नहीं है, ऊँटनी का दूध पीते हैं और खजूर खाते हैं और शहद इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों चीज़ें उनको हमेशा 100 साल के भी हो जाएं बूढ़ा नहीं होने देते, वो हमेशा जवान रहे। बहरहाल तो हुजूर ने भी फरमाया कि अपनी औरतों को खजूर खिलाया करो, अगर ताज़ा खजूर ना मिले चलो सूखी खिलाओ, क्योंकि दुनिया में और कोई ऐसा दरख्त नहीं शान वाला जिस खजूर से ज्यादा कि जिसके नीचे अल्लाह ने बीबी मरियम को